મોર્નિંગ બાર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 5 માં આપણો વિષય છે હિન્દી કયો વિષય છે આપણો હિન્દી બરાબર તો ધોરણ 5 માં આપણો વિષય છે હિન્દી વિષય છે આપણો હિન્દી બરાબર અને ભાગ છે પેલો ચિત્રપટ હિન્દી માં પેલો પાઠ છે આપણો याता या याता या बराबर अने चित्र पाठ क्योंकि चित्र જોઈને બધું બોલવાનો છે બરાબર ચિત્ર પાઠ હવે આ આપણે આગળ ભણી ગયા એમ મુસાફરીના સાધનો બરાબર રસ્તા પર કયા કયા છે બે પૈડાવાળા ચાર પૈડાવાળા એ બધું આપણે આગળ ભણી ગયા તો હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર છે તમારો જે ભાગ છે બીજો ભાગ બીજો પેજ નંબર છે 4 બરાબર ચિત્રમાં બે ટિકિટ દેખાય છે બરાબર આ મોટી ટિકિટ રેલવે ટિકિટ છે જ્યારે નાની ટિકિટ બસની ટિકિટ છે ચિત્ર યહ ક્યા હૈ તમારે લખવાનું યહ ટિકિટ હૈ ક્યા હૈ યહ टिकट है पाठ्यपुस्तक बस का टिकट कहां से कहां तक का है बस का टिकट कहां से कहां तक का है तो बस का टिकट हडार से चिलोड़ा तक का है जो यहां लिखो छे हडार से चिलोड़ा तक का है तो मान ये लिखवानो छे हडार से चिलोड़ा रेल का टिकट कहां से कहां तक का है रेल का टिकट है मुंबई से अहमदाबाद तक मुंबई से अहमदाबाद અને પછી છે बस के टिकट में कितना किराया है बस के टिकट का कितना लेते हैं 91 रुपए बराबर 91 रुपए है ना 91 रुपए પછી છે કે રેલ કે ટિકિટ કો પડકર કિતના કિરાયા બતાઈ રેલ કે ટિકિટ કા કિરાયા કિતના હૈ વો ભી આપકો દેખ કે લિખના હૈ ફિર ઉસકે બાદ હૈ રેલ કે ટિકિટ કા દિનાંક બતાઈ रेलवे के टिकट का दिनांक है 11/11/2011 बराबर इस तरह रेलवे का टिकट का दिनांक हमने दिखा बस और रेल के अलावा कहां कहां टिकट लगता है बस और रेल के अलावा हवाई जहाज एरोप्लेन फिर हवाई जहाज एरोप्लेन में टिकट लगता है बराबर तो हम ये सवाल एक इस सवाल के जवाब आपको अपने आप लिखने या अपने हाथों से लिखने हैं अपने हाथों से अब हम देखेंगे चित्र नंबर नीचे बराबर नीचे का चित्र देखो दो लड़के दिखाई दे रहे हैं पहले चित्र में दूसरे चित्र में क्या नहीं है आपको ढूंढकर देखना है उसका अवलोकन करना है बराबर तो चित्र दो टिकट है एक बस का है और रेलवे का है उसमें देख देख कर उसके अंदर से भी आपको इस यहाँ पे सवाल के जवाब लिखने हैं ढूंढ कर बराबर अब हम देखेंगे पेज नंबर उसके आगे का पेज नंबर 5 मामा के घर ये भी आपको अपने हाथों से लिखना है मामा के घर अगर आपने आपको जाना हो तो आप कैसे जाएंगे नजीक होंगे नजीक रहते होंगे मामा तो बस या रिक्शा में जाएंगे दूर होंगे तो ट्रेन या बस में जाएंगे बराबर तो आपने आपको हाथों से लिखना है सेम आने अगर पापा की छुट्टी है पापा को सिनेमा देखने ले जाना है कैसे जाएंगे तो छुट्टी के दिन हम पापा की बाइक पे या फिर और किसी साधन से सिनेमा देखने आप जो साधन लेकर जाओगे उसके नाम लिखना स्कूल में तो आप लोग स्कूल में तो बस स्कूल की बस में या स्कूल की वैन में आते हो तो वो भी लिखना और बाजार में मम्मी के साथ बाजार में जाना हो तो हम मम्मी के साथ बाजार कैसे जाएंगे वो भी लिखना तो देखो ये सवारी के साधन है और उसमें ने आपने की होगी सवारी तो उसमें जैसे खड़े की निशानी करनी है बराबर और नहीं की है तो उसमें नहीं की है चौक रॉन्ग बराबर चौकड़ी की निशानी करनी है तो आपने अगर ऊंट में सवारी की हो तो उस पर हार लिखना है और नहीं की हो तो उस पर गलत की निशानी करनी है उसके नीचे कार है ऊंट
की ऊंटगाड़ी है, बैलगाड़ी है और रेलवे ट्रेन जिसमें आपने सवार की है उसमें आपको टिक मार्क करनी है, ऑब्लिक की है तो उसमें रॉन्ग करना है। अब हम देखेंगे पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 उसमें लिखा है पढ़िए समझिए और खड़े का निशान लगाइए। बराबर, तो पहला चित्र है ऊंट गाड़ी का, उसमें टिकट लगेगा तो ऊंट गाड़ी में टिकट नहीं लगता है। बराबर, उसमें पैसे लगते हैं तो पैसे लगते हैं तो पैसे लगे पैसा लगेगा उस पे राइट करना है, पैसे लगेगा उस पे राइट करना है। फिर लास्ट में है दूसरा है कार, तो कार में भी टिकट नहीं लगता है लेकिन पैसे लगते हैं तो उसमें भी राइट करना है। अभी देखो ऊंट गाड़ी में भी टिकट नहीं लगता है, सॉरी पहला तांगा था, तांगा में टिकट नहीं लगता है। बराबर, तांगे में टिकट नहीं लगता है तो उसमें पैसा लगता है, उसमें राइट की निशान करनी है। और दूसरा है कार का चित्र, उसमें भी टिकट नहीं लगता सिर्फ पैसे लगते हैं तो उसमें भी राइट की निशान करनी है। अभी ऊंट गाड़ी है, ऊंट गाड़ी के चित्र में के सामने भी हमें पैसे लगेंगे तो उसमें भी राइट की निशान करनी है। फिर आएगी बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में तो गाँव में लोग ऐसे ही बैठा के ले जाते हैं तो उसमें मुफ्त में राइट करना है। और ट्रेन में रेलगाड़ी ट्रेन में पैसे भी लगते हैं और टिकट भी लगते हैं, दोनों लगते हैं, उसमें दोनों में राइट करना है इस तरह से। बराबर, पहले में बीच का, पहले दिन में बीच का, फिर लास्ट का और पहला और इसी तरह से आपको निशान करनी है। टिक बॉक्स है ना, टिक बॉक्स टिकट लग टिकट का है ये और ये पैसे का चीज है बॉक्स। बराबर, और ये है मुफ्त में सिर्फ बैलगाड़ी में ले जा सकते हैं, कोई कोई लोग कार में भी ले जा सकते हैं लेकिन ज्यादातर तो लोग पैसे ही लेते हैं। अब नीचे के चित्र देखो, नीचे के चित्र देखकर हमें उसके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र है कमल का, पहला चित्र है कमल का, दूसरा है गेंदा, तीसरा है गुड़हल, लास्ट का चित्र है गुलाब। बराबर, उसके नाम आपको लिखने हैं कमल, गेंदा, गुड़हल और गुलाब। बराबर, चलो अब मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी चरवाहा की। एक गांव में एक चरवाहा रहता था, उसकी आदत बहुत बुरी थी। उसकी आदत क्या थी कि वो लोगों को बहुत परेशान करता था, बिना बजे लोगों को परेशान करता था बिना बजे। और उसकी क्या आदत थी, रोज लोगों को वो चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेके खेतों में चराने के लिए ले जाता था रोज सुबह। तो वो सुबह जाके बैठ जाता पेड़ के नीचे और उसकी भेड़ बकरियां चरती रहती। तो वो रोज लोग अपने गांव में लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं खेती काम में, तो लोग सुबह सुबह खेती काम में लग जाते थे, लोग अपना काम करते थे, आराम से बैठ के जोर जोर से चिल्लाता बाघ आया गाँव के लोगों सुनो सुनो बाघ आया भागो भागो। तो ये लोग घबरा के अपना काम काज छोड़ के भागने लगते, कोई उस पर कोई अपने एक दूसरे पे गिर जाता, किसी को चोट लगती, ऐसे लोग परेशान हो गए, रोज रोज परेशान करता था बाघ आया तो लोगों कैसे रहता, सच में बाघ आ जाएगा तो फिर हमें खा जाएगा, तो अपनी जान बचा कर लोग यहाँ वहां दौड़ा दौड़ भागा भाग करने लगते। तो फिर देखो पहले चित्र में देखो आराम से बैठा है और भेड़ बकरिया चरा रहा चल रहे उसकी भेड़ बकरिया और वो आराम से बैठा है। दूसरे चित्र में देखो जोर जोर से चिल्ला रहा है भागो भागो बाघ आया ऐसे। फिर तीसरे चित्र में देखो लोग उसको आते हुए समझाते हैं कि भाई तू रोज रोज बिना वजह से चिल्ला के हमें परेशान मत किया करो, बाघ तो कोई आता नहीं है लेकिन परेशान क्यों करता है, तो इससे हमारे काम में भी दखल हो जाता है, हम अपना पूरा काम काज छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, बाघ तो नहीं होता लेकिन हमारा काम भी अधूरा रह जाता है और हम डर जाते हैं, डर के मारे भागा भाग करने लगते हैं। तो लोग उसे समझाते हैं भाई तू ऐसा मत किया कर, लेकिन वो बोलते हैं ना जिसको जो आदत पड़ती है वो पड़ती जाती है, वो कभी छुट्टी नहीं है। बराबर,
तो उसकी आदत थी बुरी, तो वो ऐसे ही करता था, वो चिल्लाता था, लोगों को बुलाता था, लोगों को इकट्ठा करता था। एक दिन फिर क्या हुआ पता है आपको, ये रोज रोज जोर जोर चिल्लाता था, बाघ आया बाघ आया। दीदी सच में वहां पे बाघ आ गया, क्या आया बाघ। अभी तो शर्मा तो सच में डर गया, उसको तो लगा अभी मेरी भेड़ बकरियां तो खा जाएगा, उसके साथ मुझको भी खा जाएगा। देखो फिर क्या हुआ, फिर वो तो चढ़ गया पेड़ पे और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लोगों लोगों सच में बाघ आया, देखो भागो भागो अपनी जान बचाओ भागो। लेकिन किसी ने उसकी आवाज सुनी नहीं, लोगों को क्या लगा ये तो झूठा है, झूठ बोलता है, रोज रोज में डराता है, लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं। बराबर, तो इस प्रकार की उसको लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं, तो बाघ तो खेतों में घुस गया, उस चला की भेड़ बकरियां भी खा गया और खेतों में भी उन लोग बाघ ने नुकसान किया। फिर लोगों ने देखा कि सच में बाघ आ गया, अगर आप हम उसकी बात सुनते तो हम उसकी बात सुनते तो हम परेशान होते नहीं। लेकिन वो जोर 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 से चिल्लाता था बाघ आया, तो फिर लोगों लोगों ने उसकी बात सुनी नहीं और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों का भी नुकसान हुआ और चरवाहा की जो झूठ झूठ रोज बोलता था उसकी वजह से सच में एक बार बाघ आ गया और उसकी भेड़ बकरियां खा गया, उसका भी नुकसान हुआ। तो हमें कभी भी किसी को परेशान करना नहीं चाहिए, ये सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, किसी को तकलीफ देनी चाहिए नहीं, ये चरवाहा जैसे चरवाहा जैसा काम करना चाहिए नहीं। कभी भी मम्मी पापा से या टीचर से झूठ बोलना चाहिए नहीं, जो भी बात हो सच सच मम्मी पापा को और टीचर को भी सच में बतानी चाहिए, कभी भी झूठी कहानी सुनानी चाहिए नहीं, झूठ बोलना चाहिए नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और किसी को परेशान करना चाहिए नहीं। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे, आज हमने चैप्टर नंबर 1 यातायात में कहानी सुनी और किस टिकट किस में लगती है, पैसे किस में लगते हैं, मुफ्त में कौन ले जाता है, ये सब लिखा है और जो बाकी है वो आपको पूरा करना है। और आज हमने इतना पढ़ा है, एक कहानी सुंदर वजह की कहानी सुनी है जरूरी की, अगली बार दूसरी कहानी सुनाऊंगी। तो ये चैप्टर आपका वही पूरा होता है, कल फिर मिलेंगे यातायात के साधन के साथ, अब हम स्वागत भी करेंगे। तो आज का आपका ये चैप्टर यही पूरा होता है, कल फिर मिलेंगे, कल फिर से कल हम पेज नंबर है थोड़ा बाकी हो पढ़ेंगे। बराबर, पेज नंबर आपका जो थोड़ा बाकी है मेरा पेज नंबर हम कल फिर पढ़ेंगे। तो आज आपका ये पूरा होता है, इसमें सिर्फ अनुवाद ही करना है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। बराबर, तो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी पेज नंबर 8, फिर हम आइडल स्वागत में पूरा करेंगे। हमारा चैप्टर यही भी खत्म होता है, फिर कल मिलेंगे।